हेलो एवरीवन एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे अगर हम देखें, काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। और वीडियो जो लास्ट मैंने बनाई थी वो बनाई थी 6 अप्रैल को, यानी कि 12 दिन पहले। और वो बनाई थी जैस्मी कॉइन के बारे में, और इस वक्त इसका प्राइस था 1.5। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 1.843। काफ़ी अच्छा इसमें हमें पम्प देखने को मिला है 12 दिन के अंदर अंदर। तो यानी कि अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि हम कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 10,000 रुपये का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1.5 के रेट पे किसी ने 10,000 रुपये का जैस्मी लिया होगा। तो सेल पे चलते हैं और इस वक्त देखते हैं कि 1.843 ना, तो चलिए हम देखते हैं 843, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 में। अब उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं कि अगर किसी ने 50,000 का लिया है, 1,00,000 का लिया है, तो उस हिसाब से। तो ये थी जैस्मी कॉइन के बारे में बात। अब काफ़ी दिन से वीडियो में नहीं बना पा रहा था क्योंकि नेट की प्रॉब्लम और ऑफिस की कुछ मैं बिज़ी चल रहा था। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो रही हैं, टाइम नेट भी ठीक हो गया, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए अपलोड करने के लिए भी नेट नहीं था मेरे पास इतना। तो देखिए अब जैस्मी कॉइन और बढ़ गया है, तो यानी इसको अगर 1.59 करें तो 2400 रुपये का प्रॉफिट 12 दिनों के अंदर, ये 10,000 का एग्जांपल में, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अब हम देख लेते हैं, आज हम बात करेंगे विंग कॉइन के बारे में। विंग कॉइन में काफ़ी लोगों की रुचि है कि कब बढ़ेगा, कैसे है इसका, क्योंकि काफ़ी लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। मेरे भी कुछ दोस्त लोगों का भी पैसा लगा हुआ है इसमें। तो चलिए आज विंग कॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके क्या आसार लग रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो विंग कॉइन में एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि जो ये प्राइस है वो ये रेड वाली लाइन जो कि 50 EMA लाइन है उससे ऊपर आ गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, वेरी पॉजिटिव साइन। बट उसी वहीं पे अगर हम देखें तो अगला जो उसका टारगेट है जहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है ये लाइन, जहाँ पे ये येलो लाइन यानी 200 EMA एवरेज लाइन और ये जो उसका रेजिस्टेंस जोन है, ये दोनों एक साथ आ रही हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, ये जो बुलिश तरह की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं बीच बीच में, और ये बुलिश वाली और एक ये लंबी विक वाली कैंडल, तो और साथ में हम देखें वॉल्यूम का जो पैटर्न है उसको देखें, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम में यहाँ पे एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है और ये जो जोन है ये ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये वॉल्यूम की कैंडल्स और वॉल्यूम का पैटर्न और ये कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये जो जोन है, यानी कि ये कितने पॉइंट वाला जोन है, ये है लगभग 240 वाला। इस वक्त इसका करेंट प्राइस चल रहा है 233, और ज़्यादा दूर भी नहीं है ये जो पॉइंट है, ये 240 के आसपास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो जाए। अभी अगर हम देखें इसका, ये 1 आवर का चार्ट था, अभी हम 4 आवर्स का चार्ट अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बुलिश तरीके की पैटर्न बना रहा है यहाँ पे विंग कॉइन, और 4 आवर्स के चार्ट में तो इसने अभी 50 EMA एवरेज लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जो एक ऐसा पॉइंट है हमें थोड़ा देखने सोचने लायक है। बट जिस हिसाब से यहाँ फॉर्मेशन बन रही है कैंडल्स की, काफ़ी बुलिश वाली कैंडल्स और बैक टू बैक बन रही हैं, तो चांसेस हैं कि ये प्राइस भी ब्रेक होता हुआ, ये जो जोन है ये ब्रेक होता हुआ दिखे और हमें प्राइस में हाई मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। बट यहाँ पे इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम वनडे का चार्ट देख लेते हैं। वनडे के चार्ट में भी ये रेजिस्टेंस जोन को अभी इसने क्रॉस नहीं किया है और यहाँ पे 50 EMA को भी क्रॉस नहीं किया है। बट अगर हम देखें तो ये देखिए ये जो कैंडल बन रही है एक पतली विक के साथ, विक बोले तो ये जो पतली वाली डंडी है, पतली विक के साथ एक जो ये बुलिश कैंडल बन रही है, इसी तरह की कैंडल जैसे प्राइस नीचे आ रहा है ये रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और यहाँ पे एक पतली विक कैंडल बन रही है, इसी तरह की कैंडल हमें जैस्मी कॉइन में देखने को मिली थी जब इसने इस प्राइस में पंप लेना शुरू किया था। तो ये आप यहाँ पे ये देख लो, ये इस तरह का फॉर्म, ये बड़ा हो गया इसको छोटा, ये इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। अभी हम चलते हैं जैस्मी कॉइन में।
अब जैस्मी कॉइन में देखते हैं कि उसी तरह का फॉर्मेशन बन रहा था। देखिए प्राइस, जैस्मी कॉइन का प्राइस बूम बूम कर रहा है, और अभी 15 पॉइंट कितना था, 1.843 था, और अभी देखिए 1.880। तो जैसे मैंने अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया, तो वो और बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए। अब ये देखिए, ये एक रेड कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे एक पतली विक की कैंडल, और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत ही भयंकर वाला पंप सीधा यहाँ से यहाँ तक। ये डे की कैंडल है तो इसलिए ये बहुत तगड़ा वाला पंप है। तो इसी तरह की कैंडल हमें विंग कॉइन में देखने को मिल रही है। तो अभी अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं विंग कॉइन में, तो इसको पार्ट्स में बाय करें ज़रूर से। हमें पंप देखने के चांसेस मिल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड के वो अपना जो 50 EMA एवरेज लाइन है उसको क्रॉस कर दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट्स में बाय करें, कि अगर हमें पंप देखने को मिलता है तो हम उसमें प्रॉफिट उठा लें, और अगर प्राइस में थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है या प्राइस थोड़ा और नीचे जाने को मिलता है, तो हम अपने बाकी फंड्स का वहाँ पे उठा सकें, पैसा वहाँ पे इसको परचेस कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी लाइक कर देना। आज के लिए यहीं तक।